बजट के अभाव में इंदौर दाहोद रेलवे परियोजना का काम केंद्र सरकार के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था। इस परियोजना का काम बंद हुए करीब 4 महीने बीत चुके हैं। इंदौर दाहोद रेलवे परियोजना का दोबारा काम शुरू करने के लिए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा काफी प्रयास किया गया। किसी तरह इस परियोजना का काम जल्द से जल्द शुरू हो। रेल मंत्री ने गुजरात में अपने स्टेटमेंट भी दिए थे कि इंदौर दाहोद रेलवे परियोजना का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। वहीं जब इस मामले पर हमने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द इंदौर दाहोद रेलवे परियोजना का काम शुरू किया जाए। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से भी बात करूंगा। वहीं काम रुकने से पीथमपुर के पास बन रही 3 किलोमीटर लंबी सुरंग कभी भी धस सकती है। करीब 16 किलोमीटर की सुरंग का काम हो चुका है जिस पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च भी हो चुके हैं। सुरंग के अंदर बारिश का पानी अभी भी भरा हुआ है। हम हर हाल में इस योजना को पूरा करवाएंगे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। नहीं, रेल मंत्री से पूर्व मिला था, उन्होंने बोला था कोरोना के बाद हम प्रारंभ करेंगे। हाल ही में मैंने फिर पत्र भी लिखा है और आगामी 28 तारीख को मैं केंद्रीय रेल मंत्री से मिलने वाला हूं और उसमें ये सब विषयों पर चर्चा होगी। रेल लाओ महासमिति को जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिछले दिनों रेल अधिकारियों की और सांसदों की मीटिंग हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो जरूरी रेलवे लाइन है उसका काम हम फिर से शुरू करेंगे। इसमें इंदौर दाहोद रेलवे लाइन का भी काम शुरू करने की सहमति बनी है। अब इस क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को अचानक इन्हें कोरोना के कारण बंद कर दिया था। हम रेल लाओ महासमिति ने आंदोलन की भी राह पर पकड़ी थी, लेकिन अब इन्हें जो सहमति बनी है, अगर इसके एक माह के अंदर अगर इन्हें काम शुरू नहीं करा तो रेल लाओ महासमिति फिर से आंदोलन करेगी। और इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना है इंदौर दाहोद रेलवे लाइन। इसमें लाखों आदिवासियों को फायदा होने वाला है और इसमें मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात के भी आदिवासियों को फायदा होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो इस क्षेत्र के हैं, वो जो छोटा उदयपुर है वहाँ पे उन्हें एक समय में साका चलाई है, वो क्षेत्र में आदिवासियों का क्षेत्र है। और इसको जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि रेल के लिए सहमति बन गई है। अब इन सांसदों से भी हमारा निवेदन है कि अब जो सहमति बनी है इस पर निगरानी रखे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।